वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है फार्मिंग का, वो डेयरी फार्मिंग हो या बाज़ औक़ात हमें बात करी होती है फ़िश फार्मिंग हो, तो उनके लिए सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हमेशा डॉक्टर माहीन आती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे लेकर आती हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों को आसान बना रही होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माहीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़े का सुबह सुबह फ्रेश कलर आपने पहना है। अमूमन सेट की तारीफ हो रही होती है कि ये कलर्स इसके अंदर हैं, तो कुछ रिफ्रेशिंग कलर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा नहीं पता है, सेट की खासियत है कि जब हम ड्रेस पिक कर रहे होते हैं ना, तो वो दिमाग में चल रहा होता है यार सेट इतना ज़्यादा चार्मिंग है, कलरफुल है, सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो वो फिर उसी तरह पिक कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली यू एंड अप लाइक समथिंग। ये अमूमन जो है वो नाज़रीन को पता नहीं होता कि हमारी पूरी जो कलेक्शन होती है ड्रेसेस की, और डेली जो हम तैयार होते हैं, वो पूरा सेट को देखते हुए कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे सेट में तकरीबन मुझे मतलब मैक्सिमम कलर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आप किसी के साथ भी ना अलाइन कर रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर माहीन, डेयरी फार्मिंग पे आज हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम इसके आगे मजीद स्टेप्स पे जाएं, आई नो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी है, लेकिन जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं उनको आसान अल्फाज में आप अगर बता दें कि डेयरी फार्मिंग बेसिकली होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए असल में व्हाट इज डेयरी, इट्स बेसिकली मिल्क और उससे एसोसिएटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब, जिसमें दूध, दही, पनीर, चीज़, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अब क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वाई फार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्यों ज़रूरी हो गया है कि आप एक सेपरेट सेटअप बनाएं और वहाँ पे आप यू नो ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रखें और वहाँ से फिर आप प्रोडक्शन लें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी डेली बेसिस पे जो डिमांड है, जो यूटिलिटीज़ की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। उस यू नो उस डिमांड को मीटअप करने के लिए ज़ाहिर है प्रोडक्शन ज़्यादा होना ज़रूरी है। सो इस वजह से अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम हाई यील्डिंग एनिमल्स, एक ऐसे एनिमल्स का ग्रुप बना के उनको रेयर करें, उन्हें अच्छी खुराक दें, उन्हें एक अच्छा माहौल दें जहाँ पर बिल्कुल कम्फर्टेबल रहें और मैक्सिमम से मैक्सिमम दूध की प्रोडक्शन हमारे पास थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द होल इसको लेके बहुत सारे लोग अभी इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा अब अगर हम इसके मजीद अगर इसकी कॉन्सेप्ट को मजीद हम एलैबोरेट करें तो कुछ स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल, हम स्टेप बाय स्टेप इसके देखिए, अब टू बी ऑनेस्ट सवीन, इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है डेयरी फार्मिंग के, इतने थोड़े टाइम में हम उसको कम्प्लीटली एलैबोरेट तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, इतनी जिद्दत आ चुकी है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग स्पेशली, बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम हर एस्पेक्ट को थोड़ा टच कर लें, स्पेशली हमारे जो लो स्केल फार्मर्स हैं, जो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यू नो हमारी जीडीपी के अंदर और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, उनके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि वो जो बेसिक डेली बेसिस पे गलतियां हो रही होती हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे। अब एक और बड़े मजे की बात जो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगी कि वी अप्रिशिएट लो स्केल फार्मर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स, बट अगेन मेरा मानना और हमारे जितने भी कम्युनिटी है वेट कम्युनिटी, उनका मानना यह है कि अगर आप पिछले 10 साल से 20 या 25 या 50 जानवरों का फार्म बना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ एनफ, तो ये काफ़ी नहीं है, ट्राई टू ग्रो फर्दर। अगर आपके पास 50 है तो आप टारगेट रखें कि अगर 2 या 3 साल के बाद आपके पास 100 जानवर हो, बिल्कुल आपके पास 150 जानवर हो, ताकि आपको भी फायदा हो, आपको भी प्रॉफिट बढ़े और मिल्क यील्ड भी ज्यादा हो और जितनी भी डिमांड है वो पूरी हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इतनी खूबसूरती से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर माहीन, हमेशा कहते हैं टिप्स आप हमारे लिए लेकर आती है। अच्छा जी स्लाइड्स हमें अगर दिखा दें तो स्लाइड्स के लिहाज से हम चीज़ें, तो सबसे पहले अगर आप एक डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने लगे तो डेफिनेटली आपने एनिमल्स कौन से रखने हैं, अगेन डिपेंड करता है आपके स्केल पर फार्मिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्मॉल स्केल फार्मर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अगेन फाइनेंस बहुत लिमिटेड है आपके पास, विच इज़ फाइन, इट्स ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पीछे होकर बैठ जाएं कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकता तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप करें, आप जितने लेवल पे कर सकते हैं आप शुरू कर लें और उसके अंदर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनपुट अपना बढ़ाते जाएं और उसे यील्ड लेते जाएं। तो अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास बेसिकली देयर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रीड्स जो कि लोकल एक तो मौजूद होती है जिसमें मेजरली साहिवाल है, और उसके अलावा फिर क्रॉस ब्रीड होती है जो कि हमारी लोकल से और किसी फॉरेन ब्रीड से, जिसे हम वलायती ब्रीड भी बोल रहे होते हैं, उसका क्रॉस हुआ होता है। तो हम कहते हैं कि मिक्स ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है। और उसके अलावा जो बहुत हाई ग्रेड ब्रीड है डैट इज़ बेसिकली कम्प्लीटली होल्स्टीन फ्रीजियंस हो गई, जो फॉरेन ब्रीड्स होती हैं जिसे हम अगेन वलायती गाय बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही हैं, वो अमेरिका से भी आ रही हैं, वो यूके से भी आ रही हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट ऑरिजिन है और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बड़े सेटअप के फार्म्स भी बन गए हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। बिल्कुल, ठीक है। सो अगेन आपने जोन सा भी लेवल का फार्म सेलेक्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रीड सेलेक्ट करें और अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करें और अच्छा जानवर सेलेक्ट करें। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप डेयरी फार्मिंग के लिए जानवर सेलेक्ट करते हैं तो अगर तो आप कोई इम्पोर्टेड ब्रीड ले रहे हैं तो ट्राई करें कि इट शुड बी प्रेग्नेंट और लास्ट ट्राइमेस्टर में हो, अबव 5 मंथ प्रेगनेंसी की हीफर आप कलेक्ट कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है।
उसके अलावा लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से जानवर सेलेक्ट करना चाहते हैं और कोई लोकल ब्रीड या क्रॉस ब्रीड करना चाहते हैं तो उसके अंदर बेहतरीन तरीका यह है कि आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम की जो इलेक्टेशन होती है वो जानवर आप लें। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा बच्चा दे चुकी हो, ओके ठीक है, और उसके बाद उसकी जो अडर की जो उसके थन होता है वो डिवेलप हो चुका होगा, फिर आप उसको लाजमी जो है वो उसका थन चेक करें, एक अच्छे डॉक्टर को साथ लेकर जाएं, उसकी रेक्टल पल्पेशन कराएं जिसे हम कहते हैं कि मुआयना होना, ठीक है, सो पूरा मुआयना करवाएं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका थन बिल्कुल ठीक है, उसके थन सारे के सारे काम कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म का थन में इन्फेक्शन है, कोई सोजिश तो नहीं है, जानवर कमज़ोर तो नहीं है, किसी किस्म की कोई बीमारी लिए हुए और आप अपने फार्म पे ले आएं और बाकी सबके अंदर फैल जाए, सबको भी फैल जाए, ठीक है। और फिर जब भी आप कोई नया परचेज कर रहे हैं एनिमल और आपके पास ऑलरेडी एनिमल्स मौजूद हैं तो उसे क्वारंटीन करें। और अब क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान हो गया हमारे लिए समझना, मतलब इंसानों के लिए कोरोना एग्जैक्टली उसने बड़ा आसान कर दिया बहुत सारी चीज़ों को फ्रॉम यू नो एनिमल रिलेटेड फील्ड को भी एक्सप्लेन करने में, ठीक है जी। तो जो बेसिकली आप बता रही हैं कि अच्छा जानवर जिसको आप डिफाइन करिए वो ये है, फार्मिंग के लिहाज से जब आप जानवर सेलेक्ट करते हैं तो लोग कहते हैं आपने अच्छा जानवर सेलेक्ट करना है तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल माइंड में जरूर रखना है। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाइएगा जी। जानवर तो आपने खरीद लिया, अब रखना कैसे है? ठीक, सो अगेन डेयरी हाउसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रीड पाल रहे हैं। अगर आप लोकल ब्रीड पाल रहे हैं तो अब हमारी साहिवाल गाय है वो हीट रेजिस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, टिक्स की इन्फेस्टेशन जिसे हम चिच्चड़ कहते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं लगते हमारी गाय के अंदर, तो एक अच्छी बात है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी जो यील्ड है वो उतनी ऑप्टिमम नहीं है, वो आपको 15 से 12 किलो दूध दे सकती है अगर आप उसको अच्छी फीड पे मेंटेन करें, और अगर बहुत अच्छी नस्ल की है जिसके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन टच 20-25 एज वेल, ठीक है। सो अगेन और फिर अगर आप क्रॉस ब्रीड पे आते हैं तो क्रॉस ब्रीड के अंदर हाउसिंग आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है, उसके अंदर थोड़ा सा यू नो आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट और हीट टॉलरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर तीसरी बात आ जाए हमारी फॉरेन ब्रीड्स की जो आप बाहर से वलायती गाय लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है, ओके। अब फॉर एग्जांपल समर टाइम में आपको उनको फैंस लगाने पड़ते हैं, आपको उनको शॉवर्स देने पड़ते हैं। अच्छा देखिए, जो कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि जानवर को आप किसी भी टेम्परेचर में आप रख सकते हैं, अमूमन ये चीज देखी जा रही होती है कि मतलब लोग इस चीज की केयर नहीं कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, अमूमन के शायद गर्मी लगती है जानवर को भी, और ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो फर वाला ज्यादा फर वाला जानवर है उसको ज्यादा गर्मी लगती है, तो आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा हट के ये भी सोचें कि वो एक लिविंग बीइंग है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बुनियादी हकूक हैं और आपको वो हकूक पूरे करने हैं। अगर आप उसे कोई फायदा ले रहे हैं तो यू शुड बी द वन कि आप उसकी सारी बेसिक नीड्स को भी पूरा करें। एग्जैक्टली वही चीज है कि जब आप एक चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यू नीड टू नो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आपको शायद वेट करना चाहिए जब तक कि आप एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं ले पा रहे होते। अच्छा जी, अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। सो डेयरी फार्मिंग फ्लोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। मैंने अच्छा दो पिक्चर्स लगाई हैं, द लोअर पिक्चर ही जो हमारे देसी डेरे होते हैं जो कि अमूमन ज़्यादातर पाकिस्तान हाँ, और जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बिल्कुल। बट अगेन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसका जो फर्श होता है वो प्रॉपर यू नो लेवल नहीं होता, ओके, ईंटें बना दी हैं, ऊंचा नीचा है, सफाई प्रॉपर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ऐसे जानवर जो बहुत अच्छे जानवर होते हैं, बहुत अच्छे जेनेटिक्स होता है, बहुत ज्यादा दूध दे सकते हैं, उनके खुरों के अंदर हूफ्स के अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया, लेमनेस आ जाती है, वो लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। अब अगर एक जानवर के अंदर कंटिन्यूसली टांग में दर्द हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर स्ट्रेस आ जाएगा और स्ट्रेस से दूध की प्रोडक्शन बहुत जल्दी कम हो जाती है। अच्छा बिल्कुल, ये इंटरलिंक्ड है, दो इंटरलिंक्ड है। आपने वो कहते हैं ना कि कोई भी काम अगर आपने किसी से लेना है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट और ज़हनी सुकून प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट एक अच्छी चीज उसको देनी है। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि और देखिए जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है और जब आपका फ्लोर अच्छा होगा, साफ सुथरा, और आपको दिन में 3 दफा साफ कर रहे हैं, आप सफाई का ख्याल रख रहे हैं, गाय बैठ रही है, भैंस बैठ रही है वहाँ पे, तो उसको इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उसका उसके थन गंदे नहीं हो रहे, वहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेल नहीं करेगा तो दूध हेल्दी होगा, दूध हेल्दी होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका फायदा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द डेयरी फीड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खुराक, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये चीज है अभी यहाँ पे। बिल्कुल जी जी। सो अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा सबीन हमने अब फॉर एग्जांपल ऐसे इलाके जहाँ पे चारा पूरा साल मौजूद नहीं होता,
उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई हैं कि आप चारे को महफूज कैसे करें, आप हे बना सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं घास को खास तरीके से, आप साइलेज बना सकते हैं जो कि उसके अंदर सारी की, यू नो, आप मकई की फसल लें और आप उसको काट के उसको डंप कर दें स्पेशल तरीके से, और उसके बाद आप कुछ महीने बाद उसे निकालें और आप अपनी भैंसों को खिला सकते हैं, ठीक हो गया। तो जब आपके पास ग्रीन फॉडर अवेलेबल है आप वो यूज करें, जब आपके पास ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, सबस चारा आपके पास खत्म हो गया, तो आप साइलेज और हे पे आ जाएं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत जरूरी है जो डेरी फीड हमें देनी पड़ती है, डेट इज कंसंट्रेट, जिसे हम वंडा बोलते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और वंडे के जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ध्यान से चूज करें, ठीक हो गया। मार्केट में मौजूद हर वंडा अच्छा वंडा नहीं होता, अगेन अगर आप खुद बना सकते हैं और आपके पास बड़ा सेटअप है तो प्लीज बनाएं, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडलाइंस लें। अगेन यहाँ पे एक मैं बात करूंगी, हमारे यहाँ अगेन स्मॉल लेवल पे बहुत बड़ी प्रैक्टिसेस हैं कि जो रोटी होती है टुकड़ी जिसे बोला जाता है वो यूज होती है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर महीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहूंगी क्योंकि सेगमेंट का वक्त भी हमारे पास कम है, इसका भी आप हमें बताती चले, क्योंकि अमूमन जब हम फीड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ग्रोथ के लिए ऐसी फीड प्रोवाइड की जा रही होती है, कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स दिए जा रहे होते हैं जो कि जब आप वो दूध पीते हैं उस जानवर का या आप उसका मीट खाते हैं तो वो इंसानी सेहत के लिए मुजर होता है, वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये कौन सी फीड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? सबीन, इसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं होते ऐसे यूज्ड, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं कि जहाँ पे ऐसे टीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि दूध ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो बिल्कुल हार्मोनल इंजेक्शंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और हर अच्छा डॉक्टर आपको बताएगा कि ये मत यूज करें, बिकॉज ये आपके लिए भी खतरनाक है और जानवर के लिए भी खतरनाक है। सही हो गया। और जहाँ तक बात रही खुराक में, यस, जैसे मैं भी बात करने लगी थी कि जो रोटी होती है अक्सर औकात क्या होता है कि वो पुरानी डंप रोटियां लेकर जो खुश्क होती हैं टुकड़ी, उसके अंदर फंगस ग्रो हो जाती है। ना हमारे घर में किचन में अगर दो से तीन दिन अगर रोटी पड़ी रह जाए तो फंगस खराब हो जाती है, तो जब आप उसको फंगस लगी हुई रोटी देंगे या आप खल बनोला बहुत ज्यादा यूज होता है जैसे हम कॉटन सीड मील कहते हैं, अगर वो भी उल्ली लगा हुआ या फंगस लगा हुआ देंगे तो उससे एफ्लाटॉक्सिन्स, खास तरह के फंगल इन्फेक्शन हैं जो थ्रू उसके ब्लड उसके दूध में जाते हैं और दूध से वो इंसानों में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कहीं हाँ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, ऐसी गंदी रोटी को मत यूज करें, खल बनोला अगर आप ले रहे हैं, ऐसी फीड जो है बेसिकली उसको जितना अवॉइड करें उतना आप अपने आप जानवर को भी महफूज रख रहे हैं, आप अपने आप को भी महफूज रख रहे हैं। अच्छा जी, अगली साइड की तरफ बैठते हैं, हम चाहते हैं जितना कवर हो सके ना, हो सके बिल्कुल। सो वन मोर थिंग, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो दूध के अंदर मेस्टाइटिस का आ जाना, और मेस्टाइटिस क्या होता है कि थन के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अब जब थन में इन्फेक्शन होता है तो दूध इन्फेक्टेड आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग प्रॉपरली उसको वॉश नहीं करते, प्रॉपर टेक्निक से मिल्किंग नहीं करते, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये कि यूज मिल्किंग मशीन्स, थन को वॉश करें, मिल्किंग मशीन्स को इस्तेमाल करें, उससे दूध जो है वो अपने कूल टैंक्स में ट्रांसमिट करें ताकि वहाँ पर मजीद इन्फेक्शन मत फैले और आप एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल जी, डॉक्टर माहीन थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था। अब मुझे लगता है जितनी बात करें इस पे बात है, हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, बिकॉज इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन जितना हम एक्सप्लेन कर सकते थे जिससे आप जानवर को महफूज रख सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं, वो चीज़ें हमने कवर की। देखते हैं फिर आगे आपको भी फिश फार्मिंग, और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा था, ये भी मैं बताती चलूँ आपको, बहुत अच्छा फीडबैक आता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आप हमें ज़रूर बताएंगे कि डॉक्टर माहीन का सेगमेंट आपको कैसा लगा, या आप हमें ज़रूर बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डॉक्टर माहीन को भी से इनकरेजमेंट जो है वो लाजिम मिलेगी। चलते हैं आप ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक सरप्राइज आपके लिए, सरप्राइज इस तरह से कि मैंने आपको बताया था कि दुबई जाने का हम सोच रहे होते हैं कि हम, अच्छा जी हम ये कर रहे हैं, अभी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं करवाते ऑडियंस को, हम ऐसा करेंगे कि अभी हम आपको लेकर चलते हैं दुबई, हम सब जाएंगे दुबई, दुबई इस तरह से हम चलेंगे कि अभी इस वक्त हमारे पास दुबई एक्सपो जो हो रहा है उसकी वीडियोस हम जो देख रहे होते हैं कि अच्छा जी अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिट करी है, तो तौसीक जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, तौसीक ने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए हम बेसिकली लेकर आए ये चीज़, और वहाँ पर उन्होंने कवरेज की, और कवरेज करने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने राइजिंग पाकिस्तान को ये दिखाते हैं, पाकिस्तानी पवेलियन वहाँ पर कैसा है, बहुत कुछ हम तो देख रहे हैं, तो अभी चलें देखते हैं कि पाकिस्तानी पवेलियन दुबई एक्सपो में कैसा है, तौसीक हमें दिखाते हैं। पाकिस्तान दुबई एक्सपो 2020 में जनाब, ये पाकिस्तान का पवेलियन है, देखे बाहर से कितना खूबसूरत, वाह वाह वाह, दिल करता है बंदा अंदर जाके विजिट करे। वर्ल्ड रेनाउंड आर्किटेक्ट राशिद राणा ने ये पाकिस्तानी पवेलियन का जो एक्सटीरियर है उसको, इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है, और इसमें बहुत से कलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान की डाइवर्सिटी के अक्कास है। 24,000 टाइल्स यूज़ हुई हैं,
एक एक टाइल बहुत सिमिलर भी है बट येट बहुत यूनिक भी है. इस वक्त पूरे एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन की इस बिल्डिंग के डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. वेल डन राशिद राणा साहब, प्राउड ऑफ यू. इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे खूबसूरत पाकिस्तान के विजुअल्स और यूनिक डेस्टिनेशंस को दिखाया जा रहा है. और देखें दुनिया भर के मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग आके यहाँ पे, पाकिस्तानी भी हैं और बहुत से बैन अवी नेशनलिटीज़ के लोग आके इसको देख रहे हैं. इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ही अट्रैक्शंस रखी गई हैं. डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग आके यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं. अच्छा भी अब जिस सेक्शन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के हवाले से बनाया गया है. बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत और दुनिया बहुत पसंद कर रही है इसको. आए बड़े यूनिक अंदाज में आपको दरख्तों में लेके जाते हैं. ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स और सुवेनियर्स की शॉप है जिसमें लोग आके शॉपिंग भी कर सकते हैं.